सिली का भरमार लाए भैया, सबसे ज्यादा यही डिमांड है क्या? सबसे ज्यादा डिमांडेड कार है ये गाड़ी के। इतना कमेंट है ना कि पर्सनली भाइयों का क्वेरी होता है, कमेंट करते हैं कि विनोद भाई वरना है सीडान में ब्लैक में भी ब्लैक। तो दिला दीजिए हम लोग पांच गाड़ी ऐसा है ना जो कि व्हाइट कलर में देने वाले हैं। पूरे भाई झारखंड घूम लीजिए, इतना कलेक्शन बोलेरो डिमांड है लेकिन मिलता नहीं है भैया मार्केट में। सबसे अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, कंफर्ट। अब आर्टिगा 2017 की फैमिली में सबसे ज्यादा इस गाड़ी का डिमांड है। 7 सीटर गाड़ी है। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग कभी भी एक्सीडेंटर गाड़ी रखते ही नहीं है। प्रॉमिस है ये। पिछले बार का भी प्रॉमिस है, इस बार का भी प्रॉमिस है। लोग मिलेंगे पोदार मोटर से विक्रांत भैया से। क्या ले भैया? बढ़िया। तो भैया पिछला बार का क्या रिस्पॉन्स रहा भाइयों को बताइए थोड़ा। पिछले बार का रिस्पॉन्स अच्छा था। ऑटो मार्ट है आपका कोकर चौक इंडस्ट्रियल एरिया के डॉन बॉस्को स्कूल के सामने। अच्छा, अच्छा। रांची में पड़ता है। तो भैया आज बड़ी गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं तो भाइयों की एक ही चीज कमेंट होता है कि लगा भिड़ा गाड़ी तो नहीं हम लोग देंगे ना? नहीं सर, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग कभी भी एक्सीडेंटर गाड़ी रखते ही नहीं है। प्रॉमिस है ये। पिछले बार का भी प्रॉमिस है, इस बार का भी प्रॉमिस है। तो भाई लगा भिड़ा गाड़ी हम लोग सेल नहीं करते, जो भी होता है ऑन रोड पे गाड़ी देते हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लगेगा भैया? नहीं, ऑन रोड पे देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। चलिए तो भैया चलिए लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं। ये भी बोलेरो व्हाइट कलर की और एक लाइन से देखिए भाई हम लोग चार पांच गाड़ी ऐसा है ना जो कि व्हाइट कलर में देने वाले हैं। पूरे भाई झारखंड घूम लीजिए, इतना कलेक्शन बोलेरो का नहीं मिलेगा। नहीं देगा कोई, नहीं देगा, एक ही डीलर से दे पाएगा। कौन देगा? पोदार मोटर। तो भाई पोदार मोटर रियल वैल्यू आपको दे पाएगा। तो भैया शुरुआत करते हैं, पहली गाड़ी क्या है? पहली गाड़ी ये गाड़ी आपकी 15 की है। 15 की? हाँ। बोलेरो कौन सी है भैया? एसएलई। हाँ। कितना चल गया गाड़ी भैया? ये 70,000 के आसपास। 70,000 के आसपास चला हुआ है भाई। हमको लग रहा है भैया बंपर वगैरह में टचअप रहता है, है थोड़ा। तो बंपर वगैरह टचअप है भाई। नंबर देख लीजिए 11 ग्रिड नंबर। पुरानी गाड़ी है, थोड़ा मतलब स्क्रैच होता है तो कस्टमर को हम ऐसे नहीं देते, उसको साफ करवा के देते। ऐसा ना लगे कि आप ले जाइए तो दो आदमी बोले भैया कैसा गाड़ी। पुरानी गाड़ी देंगे बट नई कंडीशन में देंगे। नई कंडीशन। तो भैया डेंट पेंट होता है वो ओरिजिनल पेंट होता है या फिर कौन सा? ओरिजिनल पेंट होता है। हम लोग का अपना वर्कशॉप है, हम लोग कहीं लो क्वालिटी का पेंट यूज नहीं करते हैं। तो भाई अपना भैया का वर्कशॉप है, वर्कशॉप में ही डेंट पेंट होता है। इंश्योरेंस वगैरह है भैया गाड़ी में? इंश्योरेंस नहीं है इसका, इंश्योरेंस मैं करवा के दूंगा इसका। सिंगल ओनर। कितना देना पड़ेगा ये गाड़ी? जितनी भी बोलेरो है हमारे सारे सिंगल ओनर है। ठीक है, कितना देना पड़ेगा भैया? ये 5.65। तो भाई 5.65 में एसएलई ले जाइए। गाड़ी देख लीजिए ग्रीडी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। तो गाड़ी आइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो गाड़ी भैया 2018 की गाड़ी दे देंगे। 18? हाँ, कौन सी है? SLX। 18 की गाड़ी है भाई। कमेंट होता है भाइयों का कि थोड़ा सा भैया मीट से ऊपर रेंज का लाइए, तो हम लोग लेके आ गए हैं। कितना चला है गाड़ी भैया? ये गाड़ी चला हुआ है आपका 65,000। तो भाई 65,000 गाड़ी चला हुआ है। टेम्परिंग वगैरह नहीं है ना? नहीं, मीटर? नहीं, एकदम ओरिजिनल मीटर है गाड़ी। ओरिजिनल मीटर है, 18 की गाड़ी है। नंबर कहाँ मिलेगी भैया? ये चतरा की नंबर है गाड़ी। चतरा नंबर गाड़ी है। गाड़ी देख लीजिए चारों तरफ से ऑन कंडीशन में। भैया टायर वगैरह भी चलेगा ना भैया? टायर तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई अब लेके जा रहे हैं भाड़ा वगैरह में चला रहे हैं, पता चलेगा 4-5 महीना बाद। वो तो गाड़ी कंडीशन देखने से पता ही चल रहा है, जो भी लेंगे वो कंडीशन देख के ही लेंगे। बिल्कुल। तो भाई ले जाइए गाड़ी देख लीजिए। इंटीरियर में पावर विंडो सिर्फ नहीं मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब मिलेगा। पावर विंडोज भी है इसमें। पावर विंडो भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। SLX में पावर विंडोज आता है। SLX में आता है भाई। ठीक है, चतरा नंबर गाड़ी है भैया, 18 की गाड़ी है। सिंगल ओनर ही होगी? सिंगल ओनर। इंश्योरेंस? इंश्योरेंस करवा के देंगे। कितना देना पड़ेगा भैया ये गाड़ी को? ये गाड़ी के लिए 7.35 देना पड़ेगा आपको। तो भाई 2018 मॉडल गाड़ी है, SLE है। गाड़ी देख लीजिए ऑन कंडीशन में, चतरा नंबर गाड़ी है। जिनकी नहीं भाइयों को चाहिए होगा आइए ले जाइए, बाकी आने के बाद थोड़ा बहुत करा दीजिएगा भैया, देख लेते हैं हम लोग उस समय। चलिए अब क्या लाए हैं भैया? अब आपको दे रहे हैं बोलेरो SLE। SLE? हाँ, ये भी SLE। SLE के भरमार लाए हैं भैया, सबसे ज्यादा यही डिमांड है क्या? सबसे ज्यादा डिमांडेड कार है ये। तो भाई सबसे ज्यादा डिमांडेड कार है, 2016 की गाड़ी है। 16। कितना चल गया गाड़ी? ये 65,000 के आसपास। तो भाई 65,000 के आसपास चले। भैया लाइट में थोड़ा सा ये अंधेरा वगैरह मतलब साफ वगैरह करा दीजिएगा क्या? ये तो साफ नहीं होता है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे साफ करवा के देंगे कस्टमर। चलिए तो थोड़ा बहुत देख लीजिए भाई, गाड़ी ऑन कंडीशन में ही है ना? ऑन कंडीशन में, गाड़ी फुल कंडीशन में है। चलिए क्या कुछ मिलता है भैया इंटीरियर वगैरह में इसमें? ये SLE है, सिर्फ पावर स्टीयरिंग मिलेगा। हाँ हाँ। और इसमें तो कुछ होता नहीं है। सीट कवर वगैरह तो बढ़िया लगा हुआ है, अच्छी कंडीशन में है। जो यूज़ किया है पहले गाड़ी, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में यूज़ किया गया है। प्राइवेट यूज हुआ है, सरकारी? प्राइवेट यूज किया हुआ है लगता है। तो भाई प्राइवेट यूज गाड़ी है। कितना देना पड़ेगा भैया इस गाड़ी को लेने के लिए? 6,45,000।
तो भाई 6,45,000 में एसएलयू ले जाइए, कहीं मिलने वाला नहीं है। आइएगा तो थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, बाकी गाड़ी ऑन कंडीशन में, कोई खर्च तो नहीं होगा ना भैया आने के बाद? कोई खर्च नहीं है, आप बता दीजिए जो प्राइस हम बता दे रहे हैं उसके बाद आपका कोई खर्च नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि अभी हम लोग कुछ बोल दे रहे हैं वीडियो में, बहुत सारे भाइयों बोलते हैं वीडियो फेक है फेक है, ऐसे कमेंट आते थे। भाई आप जगह पे आ जाइए, जो प्राइस हम लोग यहाँ बोल रहे हैं वही प्राइस मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत कम में ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। जो प्राइस है स्क्रीनशॉट करके ले आइए, भैया ये गाड़ी कितना बताइए, इतना ही लगेगा आपको, है ना भैया? बिल्कुल। अब अर्टिगा, अर्टिगा 2017 की फैमिली में सबसे ज्यादा इस गाड़ी का डिमांड है, 7 सीटर गाड़ी है, फैमिली बड़ी है, तो भैया आपके लिए बेस्ट गाड़ी लाए हैं। डिटेल बताइए भैया। 2017 की गाड़ी है ये और 7 सीटर है, आप बताइए, और फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी, कितना चल गया है गाड़ी? ये गाड़ी चली हुई है 80,000 के आसपास। 80,000 के आसपास डीजल या पेट्रोल? डीजल। डीजल है भाई, तो कमेंट भी आता है भर भर के भाइयों का, बाकी पर्सनल यूज के लिए लेते हैं लेकिन चला देते हैं भाइयों, भाड़ा वगैरह में अच्छा करते हैं। बड़ी कोई कंपनी की गाड़ी थी। अच्छा, ये कंपनी की गाड़ी, चली भी नहीं है और रफ एंड टफ यूज किया वो नहीं है। अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, आना है लेके जाना है। सिंगल ओनर ही होगी? हाँ, सिंगल ओनर। सिंगल ओनर गाड़ी है भैया, अर्टिगा 2017 की है। 17 गाड़ी है भैया, क्या देना पड़ेगा इस गाड़ी को लेने के लिए? आपको 6,80,000 में दे देंगे गाड़ी। 680 में। तो भाई 680 लाइए, गाड़ी ले जाइए अर्टिगा बेस्ट कंडीशन में। नेक्स्ट गाड़ी आ जाते भैया, बलेनो। बलेनो इसका तो गजब का क्रेज है भैया अभी। कौन सी है भैया बलेनो की, कौन सी है? जेटा, अल्फा, कौन? ये डेल्टा है। डेल्टा सेकंड टॉप या फिर कौन सी होती है? ये लास्ट मॉडल होती है। अच्छा, लास्ट बेस बोल सकते हैं। कब की गाड़ी है भैया? 18 की गाड़ी है। 18। हाँ, कितना चला हुआ है गाड़ी? ये गाड़ी चला हुआ है आपका 45,000 के आसपास। 45,000 चला हुआ। डेंट पेंट हुआ है क्या भैया गाड़ी में? नहीं। तो भाई डेंट पेंट नहीं है गाड़ी में, ओरिजिनल कलर में गाड़ी है। इंश्योरेंस भैया? इंश्योरेंस नया करके देंगे। नाम ट्रांसफर वगैरह सब सारा कुछ हम करके देंगे। चलिए, तो जितना भी आज हम लोग गाड़ी दिखा रहे हैं भाई, सारे ऑन रोड प्राइस पे गाड़ी मिलेगी। इंटीरियर एक बार आप लोग देख लीजिए, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सीट कवर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है भाई। एयर बैग भी आपको मिलेगी गाड़ी, ऐसे भी लोगों का फर्स्ट पसंद होता है अभी। तो भैया बलेनो है, बेस मॉडल है, तो भैया रेट भी बेस वाला रखे या फिर टॉप वाला रखे? नहीं, रेट तो बहुत अच्छा दे रहे आपको हम। कितने में भैया? 5,75,000। तो भाई 5,75,000 में की गाड़ी भी 18 की गाड़ी है भाई, आइएगा थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, बाकी फाइनेंस। अगर एक चीज़ बताइए, बहुत सारे भाइयों का कमेंट होता है कि जिनका सिविल ख़राब है और गाड़ी लेने का सपना है उनका, तो उनको कैसे मिलेगा भैया? देखिए, अगर सिविल ख़राब है तो फाइनेंस तो फाइनेंसर करता है, तो सिविल ख़राब है तो उनके फादर या उनकी मतलब कोई फैमिली मेंबर्स के नाम से ले सकते हैं अपना। अगर क्या लाए हैं भैया? स्विफ्ट डिजायर। डीजल पेट्रोल? पेट्रोल। पेट्रोल, पेट्रोल। डीजल भी दिखा है हम लोग, पेट्रोल भी दिखा रहे हैं। नंबर कहाँ की दे रहे हैं भैया? नंबर दे रहे हैं रांची नंबर। कितना चल गया भैया गाड़ी? चला हुआ है मात्र 60,000 के आसपास। 60,000 के आसपास चला हुआ है, पेट्रोल मॉडल गाड़ी है। गाड़ी है 2014 ना भैया? 14 की गाड़ी है। इंटीरियर वगैरह हम लोग दिखाते हैं, 14 की गाड़ी के हिसाब से तो इंटीरियर बहुत अच्छा रखा गया भैया। क्या कुछ गाड़ी मेंटेन है, ज्यादा चला हुआ नहीं ना? पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग वगैरह भाई आपको मिल जाता है गाड़ी में, देख लीजिए ऑन कंडीशन में है, जिनको भी चाहिए। 14 की गाड़ी भैया, तो बजट में भी मिलने वाला है ना भैया? बजट मिल जाएगा। तो भाई अब कैमरा भी लगा हुआ है ना भैया, पार्किंग कैमरा वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। तो भैया सिंगल ओनर? सिंगल ओनर। पेट्रोल में गाड़ी है, 14 मॉडल डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। क्या रेट देना होगा भैया? 4,65,000। तो भाई 4,65 दीजिए, लेके जाइए, आइएगा थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, बाकी फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। अगली गाड़ी भैया ये एस क्रॉस, डिमांड है लेकिन मिलता नहीं है भैया मार्केट में। मारुति सुजुकी सबसे अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, कंफर्ट गाड़ी है, एसयूवी है। कब की गाड़ी है भैया? 2015 की है। 15। 15। कितना चला गाड़ी का? ये आपका 80,000 चला हुआ गाड़ी है। 80,000। सिंगल ओनर? सिंगल ओनर। गाड़ी देख लीजिए ऑन कंडीशन में। टॉप मॉडल है या फिर कौन सी मॉडल? टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल गाड़ी है भाई एस क्रॉस, डिमांड होता है भाइयों का, कंफर्ट है भाई इस गाड़ी में, तो आइए लेके जाइए, बाकी देख लीजिए चारों तरफ से ऑन कंडीशन में। धनबाद नंबर गाड़ी, अलॉय वगैरह सब चीज़ लगा है गाड़ी में। आइए इंटीरियर विजिट कराते हैं आपको। तो भाई इसमें आपको मिल जाता है एयर बैग, डिस्प्ले मिल जाता है, डुअल एयर बैग, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, सब चीज़ है गाड़ी में। सिर्फ आना है, लेके जाना है, रेडी टू मूव है ना भैया कि कोई काम कराना होगा? कोई काम नहीं कराना है। कोई काम नहीं है ना, रेडी एकदम है गाड़ी। क्या देना पड़ेगा भैया इस गाड़ी को लेने के लिए? 5,35 दीजिए भाई। 16 मॉडल ना भैया? 15 मॉडल एस क्रॉस लेके जाइए, भाइयों का कमेंट होता है, आइएगा थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा। अब आपके लाए वरना भाई ये गाड़ी के इतना कमेंट है ना कि पर्सनली भाइयों का क्वेरी होता है, कमेंट करते हैं कि विनोद भाई वरना है सीडान में, ब्लैक में भी ब्लैक तो दिला दीजिए, हम लोग लेके आ गए हैं वरना। कब की गाड़ी? कंडीशन में भी, कंडीशन में गाड़ी, अच्छी कंडीशन में।
कब की गाड़ी है भैया? ये तो गाड़ी आपका 2019 की है। 19 1.6 या कौन सी? 1.4। 1.4 है, टॉप मॉडल गाड़ी है ना भैया? नहीं, सेकंड टॉप। सेकंड टॉप है, फिर भी आपको अलॉय वगैरह सब कुछ गाड़ी में मिलता है, एयरबैग से लेके भाई वो हर चीज़ आपको मिलेगी जो भाइयों को चाहिए। कि भैया लग रहा है रेडी टू मूव है, अगर जो भाई लेंगे सिर्फ आएंगे और डील फाइनल करेंगे ले जाएंगे। तो भाई देख लीजिए, रिबन वगैरह आप लोग के लिए तैयार कर दिया गया है गाड़ी में, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम सब चीज़ है गाड़ी में भाई। डिस्प्ले वगैरह भी लगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सीडान में पसंद किया जाता है गाड़ी को भैया? सिंगल ओनर है गाड़ी में? नहीं, ये गाड़ी सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर गाड़ी है। इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस करके देंगे हम लोग। कितना देना होगा गाड़ी में? गाड़ी देने के लिए आपको मात्र 9 लाख लाइए गाड़ी देते। तो भाई 9 लाख लाइए वरना ले जाइए। 2000 कब की है भैया? 19 की है। 19 की गाड़ी है भैया। गाड़ी तो सब चीज़ दिखा है, अब बताइए फाइनेंस की सुविधा कहाँ कहाँ पे है? फाइनेंस हम लोग पूरा झारखंड में करवाते हैं, कुछ कुछ एरिया में बिहार और उड़ीसा में ही करवा देते हैं। आसपास के जो लोग, जो हमारे झारखंड के नियरेस्ट आसपास सिटी होती है, अलग स्टेट का भी, वहाँ भी हम लोग करवा देते हैं। भैया एक चीज़ बताइए, भाइयों का सिविल अच्छा होने से तो कम से कम में हो जाएगा, थोड़ा बहुत खराब भी होगा तो हो जाता है ना भैया? नहीं देखिए, ये तो फाइनेंसर पर डिपेंड पड़ता है कि दे या नहीं दे, पर सिविल अच्छा होता है तभी लोन हो पाएगा। ठीक है, और जो भी गाड़ी हम लोग दिखा रहे भैया, एक चीज़ फिर से बता दीजिए, लगा भिड़ा गाड़ी तो हम लोग नहीं देंगे ना भाइयों को? हम लोग एक्सीडेंट गाड़ी लेते ही नहीं है, तो आपको दे ही नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको वीडियो में आने के लिए, डिटेल देने के लिए। तो वीडियो करते हैं समाप्त भैया। बाकी एक चीज़ और बता दीजिए भैया, मेरा ये है कि गाड़ी अगर कोई लेता है यहाँ से तो क्या क्या पेपर उनको मिलेगा? पेपर हम आप लोग यहाँ से डिलीवरी चलान और इनवाइस पेपर, आरसी और जो डॉक्यूमेंट होता है सब प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हम लोग ने वो सारा कुछ बताया जो भाइयों का कमेंट होता है। बाकी जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं भाई, आइए खुद से चेक कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, पेपर वगैरह चेक कीजिए, उसके बाद लीजिए, इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। इसलिए कोई भी डीलरशिप से लेते हैं तो गाड़ी को सारा कुछ चेक वगैरह करा के लीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।